हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू डिफरेंस। दोस्तों एसआरएच की टीम का लगातार तीसरा साल जो कि खराब गया, इस बार भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो एसआरएच के प्लेयर्स कौन कौन से जो कि रिलीज होने वाले आईपीएल 2024 से पहले, एसआरएच इनको ऑक्शन में डाल देगी यानी रिलीज कर देगी, टीम के साथ नहीं जोड़ेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी। तो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है, बड़ा फ्लोप रहा इस साल का हैरी ब्रूक, जिनको 13.25 करोड़ में खरीदा गया, सिर्फ एक सेंचुरी आई। इनकी बैटिंग पोजिशन भी कई बार चेंज की एसआरएच की मैनेजमेंट ने, तो ये फ्लोप ही रहे, तो इसीलिए ये होने वाले हैं जी रिलीज। अगले साल आईपीएल 2024 के ऑक्शन में दोबारा से हमें दिखेंगे। तो अगर मैं बात कर दूँ नेक्स्ट, अभिषेक शर्मा आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा जो कि ऑलराउंडर हैं, सिर्फ ओपनिंग करते वक्त ही इनकी 2-3 पारियां अच्छी गई थी, बाकी ये फ्लोप ही रहे इस सीज़न। तो अभिषेक शर्मा को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नाम आता हुआ था कार्तिक त्यागी का। कार्तिक त्यागी को जितने भी मौके दिए गए उमरान मलिक की जगह, ये फ्लोप ही रहे कार्तिक त्यागी। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अकील हुसैन तो बाहर ही बैठे रहे। समर्थ व्यास, सुपेंद्र सिंह यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, सनवीर सिंह, ये तो अनकैप्ड खिलाड़ी थे, इनको मौका नहीं मिला, तो ये तो रिलीज होने ही वाले। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ग्लेन फिलिप्स एक अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन इनकी जगह नहीं बन पाई। आखिर के 4 मैच ये खेले, 1 में अच्छा प्रदर्शन था और बाकी ये फ्लॉप रहे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आदिल रशीद, जिनका इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम है, वैसा आईपीएल में अब तक ये नहीं दिखा पाए आईपीएल के सीज़न में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, उमरान मलिक भी रिलीज़ हो सकते हैं। उमरान मलिक की बात करूँ तो इनको अच्छे से बैक नहीं किया जा रहा है एसआरएच की मैनेजमेंट, पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि इनको 9th ओवर देते हैं, कई बार ओवर्स ही नहीं पूरे करवाते, तो ये बेटर टीम डिजर्व करते, तो इसीलिए एसआरएच इनके बेहतर फ्यूचर के लिए, इनकी बेहतर क्रिकेट के लिए इनको रिलीज़ कर सकती है। आप कमेंट करके बताएं कि एसआरएच को उमरान मलिक को रिलीज़ कर देना चाहिए या फिर नहीं, और ये भी कमेंट करके बताएं कि और कौन से खिलाड़ियों को रिलीज़ करना चाहिए स्क्वाड से एसआरएच की टीम को, और किन को रिटेन करना चाहिए जो कि मैंने बताए रिलीज प्लेयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर।